भारतीय रेलवे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रेनें संचालित कर रहा है। इसी क्रम में कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लालकुआं से बांद्रा टर्मिनल तक साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालकुआं से ट्रेन को विधिवत रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और लालकुआं विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, रेलवे इज्जत नगर मंडल की DRM रेखा यादव सहित कई गणमान्य लोग लालकुआं रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। इससे पूर्व रेलवे अधिकारियों ने विधायक और सांसद को पौधा व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को लालकुआं विधायक और नैनीताल सांसद ने भी संबोधित किया। मुंबई के लिए शुरुआत हुई है, एक हमारी रामनगर से चलती है बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को हमारी दूसरी ट्रेन काठगोदाम से हल्द्वानी से, और तीसरी ट्रेन आज सोमवार को चलेगी, यानी कि बृहस्पति शुक्र और शनिवार, नहीं बृहस्पति शुक्र और सोमवार, तीन दिन लगातार लोग जा सकते हैं, आवत जावत इसी तरह से वहां से आएंगे तीन दिन, तो यानी कि हफ्ते भर आवत जावत बनी रहेगी। जैसे तीन दिन आज गई फिर ये यहाँ लौटेंगी, वहां से भी आएंगे ना, तो पूरा हफ्ता पूरा होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं, जो मांग थी ये पूरी हो गई। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने जो रेल मंत्री हैं श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी और अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि जो बात हम उठा रहे हैं, चाहे संसद में उठाए चाहे यहाँ उठाए, अक्षर सह वो स्वीकृत होके आ रही है। इससे पहले पिछली बार आपने देख लिया अमृतसर के लिए ऐतिहासिक ट्रेन यहाँ से शुरू हुई है, और अमृतसर जाने वाली ट्रेन जो है पूरी भर के जा रही है, उसी तरह से हमारी ये ट्रेन में जैसे आज पता लग गया सबको आगे के रिजर्वेशन आने लगे, इस तरह से एक के बाद एक अभी अयोध्या काशी महाकाल और प्रयाग, हाँ प्रयाग यानी तो वहां के लिए अभी और हम ट्राई कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, और ईश्वर ने चाहे तो यहाँ भी हमको सफलता मिलेगी। अब आप देखिए 25 करोड़ रुपए से ये पूरा स्टेशन अंदाज नहीं आता है वास्तव में एयरपोर्ट में है या स्टेशन पर है। ऐसे ही हमने काठगोदाम बना दिया, ऐसे ही हमारा रुद्रपुर बनने जा रहा है, ऐसे ही काशीपुर बन रहा है, यानी कि कहीं पर भी हम हाथ नहीं खींच रहे हैं। देश कैसे आगे बढ़े, हम दुनिया के देशों से भी बेहतर आगे जाएं, हमारे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या पोर्ट हो, वो सबसे अच्छे बने प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ का पर्यटक भी आए, धार्मिक पर्यटन भी आए, तो सारी चीजों में, और जो यहाँ के हमारे चार धाम ट्रेन आज हम लोगों ने यहाँ से शुरू की मुंबई के लिए, इसका रूट अलग है। जैसा आप जानते होंगे कि यहाँ से मुंबई के लिए दो और ट्रेनें भी चल रही थी, बट ये एक अलग रूट लेके जा रही है, ये दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, और इसका जो समय है वो बहुत ही बढ़िया है, 25 घंटे में ये आपको मुंबई पहुंचा दे रही है, और यहाँ से सुबह चल के ये दिल्ली आपको 1:30 बजे के लगभग पहुंचा दे रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सुबह की गाड़ियों में दिल्ली की कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ रही है, और जैसा आपने देखा है बड़ौदा कोटा ये वाला रूट ये लेके जा रही है, तो जो दूसरे वाली थी मथुरा से आगे पकड़ रहे थे हम लोग कोटा के लिए, तो ये दिल्ली वाला इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। मैम लालकुआड़ी क्षेत्र का जो आदमी है वो ना केवल पर्यटन के लिए, पर्यटन तो इसलिए क्योंकि देखिए देवभूमि है, गेटवे है, आपके नीम करौरी बाबा जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उनका दर्शन जागेश्वर, और हम अगर बात करें कि पूरा का पूरा जो एरिया है ना केवल रिलीजियस टूरिज्म बट नैनीकाल इतना बड़ा अपना एक क्षेत्र है जिसमें बहुत ही लोग आते हैं, जो नैनीकाल के लिए जो काठगोदाम तक गाड़ी आती है अक्सर भरी हुई आती है, तो और बम्बई से हमारे यहाँ बहुत सारे भाई यहाँ के बम्बई में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया एक साधन बन जाता है।